भाई एक बात बता, ये 20-20 करोड़ के फ्लैट बेचने वाला तेरा बॉस, इस फ्लैट का रेट है 3 करोड़, इसको बेचने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता तो क्या कमीशन ज्यादा होगा? लो सेलिंग सोसाइटी है तो 1-2 की जगह 4-5% फिर भी कितना ही होगा? लो सेलिंग प्रॉपर्टी लग रही है तेरे को और पेपर पे कमीशन 2% ही है। ओ बेटे की जान, हाई सेलिंग प्रॉपर्टी पर कमीशन फिर भी यार, मतलब प्रॉपर्टी में झोल जाला भाई, और ऑन पेपर 2% तो बाकी 13 और शिशिर के घंटे में। 14 महीने की नौकरी में 1 रुपया भी झूठ बोल के नहीं कमाया और ना कमाऊंगा। भाई सच बताओ और ना बताओ ना, वो भी झूठ बोलने के बराबर ही है। इसे बताएगा तुझे लगता है प्रॉपर्टी में झोल है? हेलो, हाय, हाउ आर यू? चलें सर देखने। एक मिनट प्रशांत, फ्लैट कैसे दिखता है वो तो हम कभी भी देख सकते हैं। उससे पहले मैं पूछना चाह रहा था कि इज दिस प्रॉपर्टी लीगली ओके? लीगली ओके एज इन? देखो यार, मैं 2-4 महीनों से फ्लैट ढूंढ रहा हूँ, तो मेरा फोन नंबर प्रॉपर्टी डीलर नेटवर्क में फ्लोट हो चुका है। कल रैंडमली एक डीलर का फोन आ गया, मैंने भी उससे ऑप्शंस पूछ लिए, सारे ऑप्शंस दिखाए बट मेरे बजट के बाहर थे। उसके बाद उसने मुझे एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया जो बजट में ठीक लगी, और उसने साफ साफ बता दिया कि उस प्रॉपर्टी के पेपर्स में कुछ इश्यूज हैं विच ही विल ट्राई एंड लीगली सॉर्ट आउट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग। जो फ्लैट हम देखने आए हैं? एब्सोल्युटली, ये वाला फ्लैट। बट एनीवे, अगर तुम्हारी कंपनी मुझे सर्टिफाई करके देती है कि दिस फ्लैट इज लेजिट फॉर सेल, अभी का अभी जाकर देख सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पता करके बताता हूँ अगर ऐसा कोई इशू है तो। तब तक चल के और फ्लैट देख लें? नहीं दोस्त, आई विल वेट फॉर योर रिवर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लैट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पोजिशन। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर। आई सी यू लेटर। थैंक यू। थैंक्स।